have been silent. Hello everyone, welcome to Shri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो. थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस. विद दिस लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर. दीज आर द आर्टिकल्स दैट वी हैव टू कवर. विल टॉक अबाउट देम इन डिटेल इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे. और अभी तक जितना भी हमने किया है, पूरे आपने मंथली रिविजन भी आई होप कर ली हो. जिन्होंने नहीं करी है, मेक श्योर कि आप अपनी चीज़ों को साथ साथ कवर कर रहे हैं. नहीं तो सब कुछ पाइल अप होता जाएगा और फिर बाद में बहुत दिक्कत होगी. सो डू रिवाइज, डू कवर दीज थिंग्स. एंड आज के सेशन में जो हमें आर्टिकल्स कवर करने हैं वो आपके सामने हैं. सेशन अच्छा लगता है तो मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. लेट अदर्स नो अबाउट दिस सेशन. एंड कॉमेंट सेक्शन में फीडबैक भी जरूर दिया करो. एंड योर गिविंग, जो भी फीडबैक दे रहे हैं, सच वंडरफुल फीडबैक कमिंग. थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दीज लेक्चर्स. लेट मी गिव यू ब्रीफ अबाउट वट वी विल बी डिस्कसिंग टूडे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए. तो पहले तो ये दो जो हैं, दीज आर स्कीम्स, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और एक श्रेष्ठ स्कीम, दैट इज स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज. तो इनके बारे में ये आपके GS पेपर 2 से लिंक करती हैं. इसके कुछ डेटा है, जैसे कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री से एसोसिएटेड जो न्यूज में आया है, तो वो आपको पता होना चाहिए. आप इसको हेल्थ सेक्टर से भी लिंक कर सकते हो. ये आपका एजुकेशन सेक्टर से लिंक हो गया. और बाकी जैसे आप स्कीम के बारे में पढ़ोगे, तो जो भी स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, पर्पस, फंडिंग, मोड, कंपोनेंट्स, बेनिफिशियरी, एलिजिबिलिटी, ये सारी डिस्कशन होगी. जैसे कोई भी स्कीम कवर करते हैं तो ये दोनों आर्टिकल्स आपके प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. देन यू हैव यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट. तो कैसी एजेंसी है, व्हेन वाज इट सेट अप, और पर्पस बिहाइंड इट, उसका एस्टैब्लिशमेंट, बाकी जितनी भी इससे रिगार्डिंग चीजें, इसमें फंडिंग की जो बात आती है, वो सारी डिस्कशन हम करेंगे इसके अंदर. देन यू हैव इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, सो IOA फॉर्मड अ 3 मेंबर एडहॉक कमेटी. किस लिए? टू रन डे टू डे अफेयर्स ऑफ वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे और मेंबर्स के बारे में, उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर, और फिर लास्ट में WFI के बारे में भी पढ़ेंगे, दैट इज योर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. देन लास्ट आर्टिकल विल बी योर न्योरा वैली नेशनल पार्क. ये कहाँ पड़ता है, वाई इट इज इन न्यूज, और मैप में इसको देखेंगे, फ्लरा फना वेजिटेशन, इसकी बाउंड्रीज इससे जुड़ी हुई, वो सारी डिस्कशन होगी इस पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ. सो आई होप आपको एक अब आइडिया लग गया है कि हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग. लेट्स बिगिन विद दिस सेशन देन. सो देयर यू गो विद द फर्स्ट आर्टिकल. रिसेंटली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज रिलीज सम स्टैटिस्टिक्स. ये है रिगार्डिंग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. आप इसको अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, राइट. अब वो ऐसे तो डायरेक्टली आपसे पूछेंगे नहीं कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बताओ, लेकिन इसका एप्लीकेशन जो है ना, वो कहीं ना कहीं फिट हो जाता है. जब एक सब्जी पे, जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ, एक सब्जी है ना, उस सब्जी पे धनिया डलता है तो सब्जी की खूबसूरती और बाहर आ जाती है. तो वही केस है इन सभी चीज के साथ भी, आपका मेंस का पाउडर इकट्ठा हो रहा है. एज फार एज द स्टेटिस्टिक्स आर कंसर्न ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, About 28.45 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स हैव बीन मेड सिंस द स्कीम स्टार्टेड. 2023 में 9.38 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स हैव बीन क्रिएटेड. तो विमेन्स मेकअप अराउंड 49% ऑफ द आयुष्मान कार्ड होल्डर्स. अराउंड 48% ऑफ द ऑथराइज हॉस्पिटल एडमिशंस आर फॉर विमेन. हेल्थ कवरेज की बात करूं तो ये स्कीम कवर कर रही है ओवर 55 करोड़ इंडिविजुअल्स, विच इज रफली 12 करोड़ फैमिलीज. सम स्टेट्स एंड यूटीज हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल कवर्ड अंडर द स्कीम यूजिंग देयर ओन फंड्स ओनली. एज फार एज हॉस्पिटल एडमिशंस आर कंसर्न, सो देयर हैव बीन 6.11 करोड़
हॉस्पिटल एडमिशंस ऑथोराइज्ड अंडर द स्कीम. टोटल कॉस्ट जो है ऑफ दीज एडमिशंस इज ₹78,188 करोड़. 2023 में, सिर्फ 2023 में देयर वर 1.7 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस एंड द कॉस्ट वॉज ओवर 25,000 करोड़. ठीक है, देन यू हैव दिस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं. ये स्टैटिस्टिक्स आपके मेंस में काम आएगा, प्रिलिम्स में पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, बट मेंस में ये आप डेटा यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में. नाउ एज फार एज इस स्कीम का ओवरव्यू इज कंसर्न, इट इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एंड द गवर्नमेंट फुली फाइनेंसेज इट. इट इज फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट. ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2018 में और ये स्कीम प्रोवाइड करती है हेल्थ कवरेज टू द पीपल इन नीड. जो फैमिलीज इस स्कीम में एनरोल्ड है उनको एक हेल्थ कवरेज मिलता है विद अ मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीज. दिस कवरेज इंक्लूड्स बोथ सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर, सेकेंडरी केयर एज वेल एज टर्शरी केयर. द हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस जो है इसके अंदर, इट कवर वेरियस मेडिकल प्रोसीजर्स, सर्जरीज, डे केयर ट्रीटमेंट्स, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स. सो इसका ये पर्टिकुलर कवरेज है. रही बात बेनिफिशियरी की, सो द स्कीम आइडेंटिफाइज बेनिफिशियरीज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी कुछ स्टेट्स के लिए, यूटीज के लिए, टू यूज नॉन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बेनिफिशियरी फैमिली डेटाबेस विद सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल्स फॉर दोज हु आर नॉट ऑथेंटिकेटेड इन द SECC. फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. 60-40 है फॉर ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज जहां पर उनकी खुद की लेजिस्लेचर है. 90-10 नॉर्थ ईस्ट जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड के लिए है और 100% सेंट्रल फंडिंग उनके लिए है जहां पर यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर है. तो ये बात समझने की है, अगर जैसे दिल्ली है कोई यूटी जहां पर उनके खुद की लेजिस्लेचर होगी तो वहां 60-40 होगा, जहां यूटीज में लेजिस्लेचर नहीं है उनकी खुद की तो वहां पर 100% सेंट्रल फंडिंग होगी. जनरली क्या होता है यूटीज के अंदर, ऐसा होता है कि 100% सेंट्रल फंडिंग होती है, लेकिन यहां अलग है क्योंकि जिन यूटीज में उनकी लेजिस्लेचर है तो वहां 60-40 का रेशियो होगा. ठीक है, एज फार एज नोडल एजेंसी इज कंसर्न, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई. इट इज एन ऑटोनोमस एंटिटी अंडर विच एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट. ये अथॉरिटी बेसिकली है दैट इज फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम. और स्टेट हेल्थ एजेंसी इज द एपेक्स बॉडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम इन द स्टेट्स. सॉर्टेड है. अगला जो आर्टिकल है दैट इज योर श्रेष्ठ स्कीम. सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट रिसेंटली हाईलाइटेड द स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एडुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन द हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज. नाउ व्हाट डज इट मीन. ये जो स्कीम है ना, इसका एम है जो एडुकेशनल गैप्स हैं इन द एरियाज दैट आर इनहैबिटेड बाय शेड्यूल कास्ट, तो वहां जो एजुकेशनल गैप है उसको एड्रेस करना. और फोकस किया जाता है ऑन प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर SC स्टूडेंट्स. ठीक है, इसमें एडमिशन क्राइटेरिया की बात करूं तो एडमिशन इज ऑफर्ड इन क्लास 9th एंड क्लास 11th. ठीक है, स्टूडेंट्स कैन एनरोल इन CBSE या फिर स्टेट एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स. अब रही बात एलिजिबिलिटी की, पहले तो जो बच्चे एलिजिबल हैं फॉर दिस प्रोग्राम आर दोज हु आर बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड स्पेसिफिकली जो बच्चे 8th क्लास में पढ़ रहे हैं या 10th क्लास में पढ़ रहे हैं इन द करंट एकेडमिक ईयर दे कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ द स्कीम. ये स्कीम टारगेट करती है बच्चों को फ्रॉम SC कम्युनिटी जो कि आते हैं फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड इनकम ग्रुप, जिनकी एनुअल इनकम होती है, द स्टूडेंट्स फैमिली शुड हैव एन एनुअल इनकम ऑफ अप टू ₹2.5 लाख. सॉर्टेड है. आगे चलते हैं इसकी मॉनिटरिंग पे. सो द मिनिस्ट्री मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स रेगुलरली.
The ministry keeps a close eye on the progress of students under the program. Unki development, unki academic performance ko regularly check karte rehte hain. Jo institutions hain, they must share their performance details on their websites and basically online portal. To se kya transparency bani rehti hai ki acha institutions kis kaise kaam kar rahe hain, are they doing well or not, to ye sari baatein hain. Or to enhance the monitoring, cameras have been installed in the institution. There is institution of cameras. लाइव फीड्स मिलता रहता है तो रियल टाइम चेक होता रहता है ऑन द एक्टिविटीज विद इन द इंस्टीट्यूशन. तो इंस्पेक्शन टीम्स बनाई गई हैं फॉर द पर्पस ऑफ फील्ड विजिट, एंश्योरिंग दैट ऑल द इंस्टीट्यूशंस आर अकाउंटेबल, दे आर मीटिंग द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स और नॉट. तो फील्ड विजिट भी होता रहता है. अगर मैं बात करूं इसके इम्पैक्ट की, एज ऑफ 2023-24 के एकेडमिक ईयर के अंदर 7,543 बेनिफिशियरीज थे अंडर दिस प्रोग्राम एंड ड्यूरिंग द सेम एकेडमिक ईयर अ टोटल ऑफ 2,564 स्टूडेंट्स वर एडमिटेड टू हाउ मेनी 142 प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल्स. और रही बात फाइनेंशियल रीइंबर्समेंट की, सो 30.55 करोड़ हैज बीन रीइंबर्स्ड टू कवर द स्कूल फीस फॉर द स्टूडेंट्स हु वर एडमिटेड इन 2023-2024. स्कीम में कुछ और भी बातें हैं जिसमें आता है स्कीम का सिलेक्शन प्रोसेस. तो यहां पर एक है मोड वन, श्रेष्ठ स्कूल्स, श्रेष्ठ स्कूल. तो यहां में सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो मेरिटोरियस शेड्यूल कास्ट बच्चे हैं दे आर चूजन हर साल थ्रू अ टेस्ट, दैट इज नेशनल एंट्रेंस टेस्ट. और ये कंडक्ट किया जाता है बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. एडमिशन की बात करूं तो जो सिलेक्टेड बच्चे हैं दे आर एडमिटेड टू द बेस्ट सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड एफिलेटेड प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल्स इन क्लास 9th एंड 11th. तो 8th और 10th के बच्चे एलिजिबल थे टेस्ट के लिए, किस लिए, 9th में जाने के लिए और 11th में जाने के लिए. ठीक है, फिर बात आती है फाइनेंशियल सपोर्ट की. सो डिपार्टमेंट कवर्स द कंप्लीट फी फॉर द स्टूडेंट्स, जिसमें स्कूल फीस, हॉस्टल फीस सब आ जाता है. सो द फाइनेंशियल सपोर्ट की रेंज, मतलब वो लाई करती है 1 लाख से लेके 1,35,000 तक के बीच में फ्रॉम क्लास 9 to 12. अ ब्रिज कोर्स इज ऑफर्ड आउटसाइड द रेगुलर स्कूल आवर्स, ताकि बच्चों को हेल्प किया जाए कि उस स्कूल एनवायरमेंट में इजिली एडजस्ट हो सके. और डिपार्टमेंट कवर करता है 10% ऑफ द एनुअल फी ऑफ दिस ब्रिज कोर्स. ठीक है, मॉनिटरिंग की बात करूं तो मिनिस्ट्री कीप्स अ क्लोज आई ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स रेगुलरली. फिर है मोड टू, एनजीओस, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग स्कूल्स और हॉस्टल्स, ये सेकेंड मोड में आ जाता है. अप टू 12th ग्रेड दे रिसीव ग्रांट्स, एंड ग्रांट जो प्रोवाइड करी जाती है इट इज इन द रेंज फ्रॉम 27,000 to 55,000 पर स्टूडेंट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्कूल. ठीक है, तो सिंपल टर्म्स में श्रेष्ठ स्कूल क्या है, इसके मोड्स, दो मोड्स, इसमें एडमिशन, इसका इम्पैक्ट और इसकी मॉनिटरिंग, ये सारी डिस्कशन आपको करनी रहेगी. और ये आप अपने मेंस के आंसर्स में भी यूज कर सकते हो. ऐसी कुछ स्कीम्स के नाम मेंशन कर दूं. ठीक है, अगले आर्टिकल पे चलते हैं. अगला आर्टिकल बेसिकली क्या है, बहुत ही सिंपल है. इंडिया ने रिसेंटली $2.5 मिलियन दिए हैं किसको, टू UNRWA. किस लिए, फॉर द वेलबींग ऑफ पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज. ठीक है, सो वट इज UNRWA, इट इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो हेल्प करता है पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज को विद रिलीफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. तो इट इज अ यूनाइटेड नेशन एजेंसी. हम बात करेंगे UNRWA की, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट. ये एजेंसी सपोर्ट करती है रिलीफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज. रही बात इसके एस्टैब्लिशमेंट की, 1949 के अंदर इट वॉज क्रिएटेड. After this 1948 Arab-Israeli war, United Nations General Assembly set it up with a resolution. वो कौन सा है, 302 clause 4, 8th of December 1949 को. किस लिए, to provide direct relief and work programs for Palestinian refugees. So finally, when did it start? It began its operation on 1st of May 1950.
आफ्टर 1948 वॉर मेनी पैलेस्टीनियंस वो रिफ्यूजीज बन गए एंड UNRW वॉज फॉर्म्ड किस लिए? टू असिस्ट देम. ठीक है. सो सिंस अ परमानेंट सोल्यूशन टू द पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज इशू हैजंट बीन फाउंड, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज कंसिस्टेंटली रिन्यूड द UNRWA's मैंडेट. लास्ट एक्सटेंशन जो है इट गोज टू ये अपना 2023 का जो 30 जून था, इट एक्सटेंडेड टिल देन. नाउ इसका साइज और स्कोप की बात करते हैं. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम. इट लुक्स आफ्टर अबाउट यू कैन से 5 मिलियन रजिस्टर्ड पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज. सो द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन 5 एरियाज: जॉर्डन, लेबनन, सीरिया, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम. तो ये जो UNRWA है इट हैज अ टीम ऑफ ओवर 30,000 स्टाफ मेंबर्स. इसके बारे में व्हाट्स यूनिक अबाउट दिस कि डायरेक्टली प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल. इट हेल्प्स ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया, डायरेक्टली हेल्प द बेनिफिशरीज. क्या क्या सर्विसेज ऑफर करी जाती है? एडुकेशन, हेल्थ केयर, रिलीफ एंड सोशल सर्विसेज, कैंप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंप्रूवमेंट, माइक्रो फाइनेंस, एमरजेंसी असिस्टेंस. सो ये एडुकेशनल सर्विसेज देते हैं टू पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज, हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं टू इंश्योर कि उनकी वेलबींग रहे, एंड हेल्प्स विद रिलीफ एफर्ट्स एंड वेरियस सोशल सर्विसेज, वर्क्स ऑन एनहेंसिंग द लिविंग कंडीशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर, माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करते हैं, हेल्प पीपल एस्टैब्लिश स्मॉल बिजनेसेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमरजेंसीज. इट स्टेप्स इन ऑल्सो किस लिए? इमीडिएट एड प्रोवाइड करने के लिए. ये सारी बातें लिखी हुई है इसमें. आगे चलते हैं फंडिंग पे. पैसा कहां से आता है? इतना सब कुछ कर रहे हो, हर चीज के लिए पैसा चाहिए है, पैसा कहां से आता है? सो UNRWA इज मोस्टली फंडेड बाय वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम UN मेंबर स्टेट्स. सम फंडिंग ऑल्सो कम्स फ्रॉम रेगुलर बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशन. मतलब इंटरनेशनल, मेनली फॉर द इंटरनेशनल स्टाफिंग कोस्ट. और रिपोर्टिंग और अकाउंटेबिलिटी की बात करूं तो इट रिपोर्ट्स एक्सक्लूसिवली टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. हेडक्वार्टर की बात करूं तो ओरिजिनली बेस्ड इन बेरूत लेबनन, इट मूव टू वेना ऑस्ट्रिया इन 1978. 1996 में जनरल असेंबली रीलोकेटेड द हेडक्वार्टर्स टू गाजा स्ट्रिप, शोइंग इट्स कमिटमेंट टू अरब इजरायली पीस प्रोसेस. रही बात लीडरशिप की, सो द चीफ ऑफिसर ऑफ इट इज कॉल्ड कमिश्नर जनरल. कमिश्नर जनरल इज यूनिक. क्यों? क्योंकि दे आर द ओनली लीडर ऑफ UN एजेंसी हु रिपोर्ट डायरेक्टली टू जनरल असेंबली. द ओनली लीडर ऑफ UN एजेंसी हु रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू जनरल असेंबली इज अपॉइंटेड बाय UN सेक्रेटरी जनरल. तो UN सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट्स द कमिश्नर जनरल विद द अप्रूवल ऑफ एडवाइसरी कमीशन. ठीक है, सॉर्टेड है. कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. देन यू हैव IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म्ड अ 3 मेंबर एडहॉक कमेटी. किस लिए? टू रन डे टू डे अफेयर्स ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. अब हम बात कर लेते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की. IOA इट्स लाइक द बॉस, हेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ओलंपिक मूवमेंट एंड कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंडिया. जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ग्रुप्स है ना, जैसे कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, एसोसिएशन ऑफ नेशनल ओलंपिक कमेटी. सो इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप्स. इट इज एन एफिलिएटेड मेंबर ऑफ ऑल दीज ग्रुपिंग्स. सो एज अ मेंबर ऑफ दीज ग्रुप्स IOA टेक्स केयर ऑफ वेरियस थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और एथलीट्स के वेलबींग का भी ध्यान रखना, सब कुछ. सो IOA लुक्स आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ स्पोर्ट्स, टेक्स केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ एथलीट्स इन द कंट्री. When Indian athletes या फिर जो teams that participate in the big events like Olympic Games, Commonwealth Games, Asian Games, IOA is in the charge of making sure कि they are represented properly. It oversees the representation of athletes or teams who are participating in it. IOA is responsible for managing different aspects of sports in India, making sure कि हर एक चीज smoothly run करे for athletes, sports enthusiasts, right? So it looks after the well-being of athletes. It manages sports,
governance and ensures ki Indian athletes are properly represented in the international competitions. Beyond participation in the games, IOA has different programs with various partners. Kis liye? To improve sports education, for the development of sports education and Olympic studies. IOA is recognized by which ministry? Youth Affairs and Sports. फाउंडेशन की बात करूं तो 1927 में इट वॉज एस्टैब्लिश विद सर दोराबजी टाटा एंड डॉक्टर ए जी नुहरेन एज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जनरल. ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह इट इज रजिस्टर्ड अंडर विच एक्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860. इसके मेंबर्स की बात करें, IOA has members like national, it includes National Sports Federation, State Olympic Association, IOC members and other select multi-sport organizations. ओलंपिक चार्टर के अकॉर्डिंग नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन मोस्टली इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेज करती है स्पोर्ट्स फीचर्ड इन दी विंटर ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इन सब में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गवर्नेंस एस्पेक्ट ऑफ इट. इट इज करंटली लेड बाय 32 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल हेडेड बाय द प्रेसिडेंट. मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो उन्हें इलेक्ट किया जाता है every 4 years through election process. Different standing committees assist the executive council. These committees have experts alag alag subjects mein taki wo alag alag aspects ke sath to help with different aspects of managing sports. Now coming to Wrestling Federation of India, it's like the boss of wrestling in India. It manages, it oversees wrestling in the country and it was founded in 1958, Delhi based hai. It promotes wrestling players for Olympics, Asian Games, National Wrestling Championship, World Wrestling Championship. Theek hai? Now last but not the least, let's talk about Neora Valley National Park. The fresh image of a Royal Bengal tiger taken via trap cameras at this national park in the hills of West Bengal was there, and it has confirmed the presence of big cats at an altitude of 10,000 feet above the sea level. This is what we are talking about. Top pe badhta hai. Kalimpong district of West Bengal, wahan par ye located hai. ठीक है. richest biological zones of India में से एक in the entire northeast. इधर सिक्किम और भूटान लगता है north north eastern boundaries में, and इधर आप इधर देखो तो आपका wild life sanctuary एक पड़ती है इधर पंगोलाखा wild life sanctuary सिक्किम के अंदर, और भूटान की तुरसा स्ट्रिक्ट रिजर्व ऑफ भूटान, तो इसकी बाउंड्रीज वहां लगती हैं. सदर्न बाउंड्रीज जो है पार्क की, दे आर एडजॉइनिंग टू द फॉरेस्ट ऑफ जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट विच हैव कनेक्टिविटी विद चपरामरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गोरुमरा नेशनल पार्क. हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्क इज रिचला पास. मैप है, प्योर मैप बेस्ड है, मैप में जाके लोकेट करो, फैक्ट्स हैं याद रखने वाले हैं बस. करेक्टरिस्टिक की बात करूं तो यहां पर आपको हिमालयन माउंटेन सिस्टम, पेनिनसुलर सब रीजन और मलायन सब रीजन, सो इट कंसिस्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल दीज थ्री सब रीजन. फोर हैबिटेट टाइप्स आर रिकॉग्नाइज, सब ट्रॉपिकल मिक्स ब्रॉडली फॉरेस्ट, लोअर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, अपर टेम्परेट मिक्स ब्रॉडली फॉरेस्ट, रोडोडेंड्रोन फॉरेस्ट. वेजिटेशन की बात करूं तो ड्राई मिक्स फॉरेस्ट, वेट मिक्स फॉरेस्ट और ओक, हाई लेवल ओक फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट, ये सब आपको देखने को मिलेंगे. फ्लरा में रोडोडेंड्रोन, बैम्बू, ओक, फर्न, एंड फना के अंदर रेड पांडा, हिमालयन थार, ब्लैक बियर, सांबर, बार्किंग डियर, ये सारी स्पीशीज आपको प्लांट्स और एनिमल्स की यहाँ पर देखने को मिलेंगी. ठीक है, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आज के सेशन के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आ रहा है. इफ यस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. डू शेयर दीज सेशंस विद योर फ्रेंड्स. अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करें बाय लाइकिंग द लेक्चर. दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.